गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द फिजिकल एजुकेशन ऑफ क्लास 2 एंड चैप्टर 23। चैप्टर इज केयरिंग फॉर होम एंड नेबरहुड। ओके, नाउ वी कैन स्टार्ट द चैप्टर। कीपिंग योर होम एंड सराउंडिंग क्लीन एंड ग्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट मेक्स द एनवायरमेंट अराउंड यू ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव। अपने घर को और अपने घर के आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इससे हमारा एनवायरमेंट बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव लगता है। फर्स्ट टॉपिक इज क्लीननेस एट होम। हेल्प मदर डस्ट एंड क्लीन द हाउस। घर को साफ करने में हमें अपनी मम्मी की हेल्प करनी चाहिए। कीप योर थिंग्स एट अ प्रॉपर प्लेस। मेक योर बेड एंड क्लीन योर रूम। किस अपने सामान को उसके प्रॉपर प्लेस पर रखना चाहिए और अपना बेड खुद ठीक करना चाहिए। अपने रूम को खुद से साफ करना चाहिए। यू मस्ट नॉट थ्रो डर्टी थिंग्स, टॉफी रैपर्स, फ्रूट पेल्स एंड ब्रोकन टॉय अराउंड द हाउस। अ डर्टी हाउस इज श्योर टू मेक यू सिक। किसी भी गंदे चीज को, कोई भी डर्टी थिंग्स को, या टॉफ़ी के रैपर्स को, या फ्रूट्स के छिलके को, या टूटे हुए टॉयज को हमें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। एक डर्टी हाउस हमें बीमार बना देता है, इसलिए हमें अपने घर को हमेशा नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। इन द मॉर्निंग ओपन द विंडो ऑफ योर हाउस। फ्रेश एयर एंड सनलाइट हेल्प क्लीन द हाउस एंड फ्री इट फ्रॉम जर्म्स। सुबह जब हम सो के उठते हैं तो हमें सबसे पहले अपने घर के सभी खिड़कियों को खोल देना चाहिए। इससे क्या होता है कि बाहर की ताज़ी हवा जो होती है वो और सनलाइट हमारे घर के अंदर आता है, जिससे हमारा घर क्लीन होता है और जर्म फ्री होता है। सेकेंड वन इज क्लीननेस एट होम। योर स्कूल इज योर सेकेंड होम। यू गो देयर टू लर्न, प्ले, मेक फ्रेंड एंड enjoy yourself too। आपका स्कूल आपका दूसरा घर है, जहाँ आप पढ़ने जाते हो, खेलने जाते हो, नए नए दोस्त बनाते हो और enjoy करते हो। Would you like a dirty school, a dirty and dusty playground and a garden without tree? क्या आपको एक गंदा स्कूल पसंद है, अ ड्राई और डस्टी प्लेग्राउंड पसंद है, या एक ऐसा गार्डन पसंद है जहाँ पे एक भी ग्रीन प्लांट नहीं है? नहीं, हमें ऐसा कोई भी जगह पसंद नहीं है जो कि डस्टी हो, ड्राई हो, है ना, गंदा हो, ग्रीन प्लांट्स वाला नहीं हो। हमें ऐसी जगह नहीं पसंद है। यू मस्ट थ्रो लिटल इन द डस्टबिन। ऑल्सो यू मस्ट आस्क योर फ्रेंड नॉट टू थ्रो पैकेट ऑफ चिप्स, वेपर्स एंड टी कप्स हेयर एंड देयर इन द स्कूल। हमें स्कूल में किसी भी तरह के वेस्ट मटेरियल को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, हमेशा उसे डस्टबिन में डालना चाहिए। और अपने फ्रेंड्स को भी यही बताना चाहिए कि किसी भी तरह के पैकेट्स को, या वो पैकेट चिप्स का हो, टॉफ़ी का रैपर हो, या टी कप हो, स्कूल में इधर उधर नहीं फेंक के उसे हमें डस्टबिन में ही डालना चाहिए। हेल्प इन कीपिंग योर क्लासरूम क्लीन। अपने क्लासरूम को साफ रखने में हमें हेल्प करना चाहिए। डू नॉट प्लक फ्लावर्स फ्रॉम द स्कूल गार्डन एंड प्लांट ट्रीज विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। हमें अपने टीचर के हेल्प से गार्डन में जो फ्लावर्स लगे रहते हैं या प्लांट लगे रहते हैं उसे नहीं तोड़ना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लीननेस अराउंड योर हाउस एंड योर नेबरहुड। Ask your mother and neighbors to throw the household garbage in the public bin and not in the open। हमें अपने घर में अपनी मम्मी को या अपने आसपास के लोगों को यह बताना चाहिए कि हमारे घर का जो भी गार्बेज है, जो भी गंदगी है, उसे हमें पब्लिक बिन में डालना चाहिए, ओपन में नहीं फेंकना चाहिए, यानी कि रोड साइड में नहीं फेंकना चाहिए। If any drain in your locality is overflowing and smelling, ask a civil officer to get a clean। अगर हमारे लोकेलिटी का या हमारे घर के आसपास का कोई भी ड्रेन, ड्रेन मीन्स होता है नाला, वो अगर ओवरफ्लो कर रहा है, यानी कि उसका नाले का पानी रोड पे आ रहा है और उसमें से गंदी गंदी बदबुआ आ रही हैं, तो हमें तुरंत सिविल ऑफिसर को फ़ोन करके रिक्वेस्ट करना चाहिए कि वो उसे जल्दी से जल्दी साफ करवा दे।
asks the sweeper on duty to clean the streets. जो स्वीपर सुबह सुबह हमारे घर के आसपास झाड़ू लगाते हैं उन्हें हमें कहना चाहिए कि अच्छे से झाड़ू लगाएं, हमारे घर के आसपास हमारे लोकेलिटी को अच्छे से नीट एंड क्लीन करें. Do you know, Rupa's locality was so dirty that she fell it because of that and could not come to school for a week. Rupa, जिसके घर के आसपास का जो लोकेलिटी है वो बहुत ही गंदा रहता है, जिसके कारण वो हमेशा बीमार रहती है और वो 1 week से स्कूल भी नहीं आ पा रही है. As a result, she could not do well in her test. और इसका रिजल्ट ये हुआ कि टेस्ट में भी उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया. इसलिए हमें अपना घर को, अपने घर के आसपास के सभी लोकेलिटी को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें और हम पर डे स्कूल आएँ और हमारा रिजल्ट भी अच्छा हो. ओ हाउ कैन वी फॉरगेट द पार्क वेयर वी लाइक टू गो आउट इन द इवनिंग एंड प्ले. हम पार्क को कैसे भूल गए. पार्क एक ऐसा जगह है जहां हम पर डे शाम में खेलने को जाते हैं. वेयर देयर आर मेनी स्लाइड्स फ्लावर्स एंड ट्रीज. जहां बहुत सारे स्लाइड्स झूलने के लिए झूले होते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स के प्लांट्स होते हैं, ग्रीन ग्रीन प्लांट्स ट्रीज होते हैं, ठीक है. एंड वेयर डज ग्रैंडपा गो फॉर अ वॉक. और जहां हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ग्रैंडपा वॉक करने के लिए पर डे जाते हैं. वी मस्ट नॉट ट्रैम्पल ऑन प्लांट टू स्पॉयल द ग्रास. हमें वहाँ के किसी भी प्लांट को नहीं तोड़ना चाहिए. एंड देन वी शैल बी प्राउड ऑफ अवर नाइबरहुड. अगर हमारा नाइबरहुड नीट एंड क्लीन रहेगा तो हम खुद में भी प्राउड फील करते हैं. वी शुड नॉट वॉश क्लॉथ्स एंड थ्रो एनिमल वेस्टेज इन द रिवर और पॉन्ड. हमें नदियों में पॉन्ड्स में अपने गंदे कपड़े को नहीं धोना चाहिए, एनिमल्स के वेस्ट को नहीं फेंकना चाहिए या एनिमल्स को भी उसमें नहीं नहलाना चाहिए. क्योंकि अगर हम नदियों के पानी में कपड़े धोएंगे, एनिमल्स को नहलाएंगे, एनिमल के वेस्ट को फेंकेंगे तो नदियों और पॉन्ड का पानी क्या हो जाएगा, डर्टी हो जाता है. वी शुड नॉट यूज स्टिल हॉर्न और साइनस नियर अ हॉस्पिटल्स और स्कूल. स्कूल और हॉस्पिटल के आसपास हमें गाड़ियों के तेज हॉर्न को नहीं बजाना चाहिए और ना ही किसी तरह के सायरन को बजाना चाहिए. इट क्रिएट्स अ साउंड पॉल्यूशन. इससे क्या होता है, साउंड पॉल्यूशन फैलता है. वी शुड नॉट थ्रो पॉलीथिन बैग्स इन द सॉइल और इन ड्रेन्स. इट क्लॉक्स द ड्रेन. जो पॉलीथिन बैग्स हम यूज़ करते हैं उसे हमें मिट्टी में इधर उधर बाहर खुले में या ड्रेन्स में नालियों में नहीं फेंकना चाहिए. अगर हम पॉलीथिन बैग्स को नालियों में फेंकेंगे तो वो क्या करता है, नाली को ब्लॉक कर देता है और नाली का जो गंदा पानी है वो रोड पे आ जाता है, जिसके कारण गंदगी फैलती है, बीमारियां भी फैलती हैं. आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस टॉपिक. थैंक यू एंड हैव अ नाइस.